कहां पे गड्ढे मुक्त हो गए, अभी तक एक कोट नहीं हुआ सड़क पर, कोई फ्री, मुक्त फ्री में राशन बांटा सरकार ने। अरे राशन क्या, एक किलो राशन देने से क्या हो जाता है। देखा होगा कि वो सिलेंडर की कीमत अब 1000 रुपए हो गई है, तो गरीब किसान जो था वो अब सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहा है। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो है 300+ सीटें आएंगी, और जो दुम दबा के भाग जाएंगे, सिपाही परिवार वाले हैं, दुम दबा के भाग जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ और आप सभी का स्वागत है KIA न्यूज के खास प्रोग्राम कुर्सी कनेक्शन। अब की बार किसकी सरकार, और हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी जनपद में, जहां पर आपको बता दूं मैनपुरी जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 3 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1 विधानसभा सीट पर BJP पार्टी का। यहाँ पर सांसद की बात करें तो यहाँ सांसद भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और 1983 से लगातार समाजवादी पार्टी के ही सांसद यहाँ पर बनते आ रहे हैं। तो यहाँ की जनता है हमारे बीच में, जनता से भी उनकी राय जानेंगे कि सर सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयकिशन है। जयकिशन जी, जो वर्तमान में सरकार है उससे आप कितना खुश हैं, उसके कार्य से खुश हैं या नहीं भी है? जो सरकार अभी आई है उसके कार्य से कोई भी इंसान खुश नहीं है। क्यों, क्या कारण है? कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। इनकी सरकार जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली, तुरंत। सरकार कहती है गड्ढे मुक्त सड़कें की। अरे कहाँ पे गड्ढे मुक्त हो गए, अभी तक एक कोट नहीं हुआ सड़क पर, कोई फ्री में राशन बांटा सरकार ने। अरे राशन क्या, एक किलो राशन देने से क्या हो जाता है? महिला सुरक्षा की बात कर, कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ BJP के प्रवक्ता भी हैं, यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे। जनता का आरोप है कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज गुप्ता है। और ये जो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, इस बार सरकार जाने वाली है, तो क्या जवाब? विकास उनका नहीं हुआ, गुंडों का विकास नहीं हुआ है। मतलब जो गुंडे तत्व हैं उनका विकास नहीं हुआ, कि कट्टा बनाने की फैक्ट्रियाँ आदि वो बंद हो गई हैं, शराब के कारखाने थे वो बंद हो गए हैं, लड़कियों को छेड़ते थे वो बंद हो गए हैं, लूटपाट करते थे वो बंद हो गए हैं। इसलिए उनका विकास नहीं हुआ, गुंडों का विकास नहीं हुआ है। गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, उनकी गुंडों की संपत्ति बुलडोजर चला दिया गया है, उनका विकास नहीं हुआ है। आम आदमी का विकास हुआ है। आज महिला रात में निकल जाती है, यहाँ पर रात के 12 बजे ट्रेन आती है, वो महिला निकल जाती है यहाँ पे, उसको कोई पूछता नहीं है, कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं किसी के अंदर होती है। और दो बार राशन मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि एक किलो 5 किलो, 1 यूनिट 5 किलो अनाज मिल रहा है, और 5 किलो चावल मिल रहे हैं, 1 किलो नमक मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या कहना चाहिए? सर कंट्रोल में सब चीज़ मिल रही है, तेल भी दिया है, नमक भी दिया है, चना भी दिए हैं, और चावल भी दिए हैं सर, चना भी दिए हैं। क्या लगता है आप, जो सरकार है वर्तमान में उसके कार्यों से खुश हैं? जी सर खुश हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है, और सर अब की बार टक्कर होगी यहाँ पे दोनों। बिल्कुल, यहाँ पर जनता का भी कहना है कि टक्कर होगी, और आप देख सकते हैं, और भी लोगों से जानना चाहें। क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह जी, क्या लगता है सरकार के कार्यों से खुश हैं आप? खुश हैं। क्या क्या कार्यों से खुश हैं आप? सारा सब सही है, चल रहा है, गुंडागर्दी बंद हो गई, सारा काम बढ़िया चल रहा, कोई वो नहीं, किसी की वो नहीं है। यहाँ पर युवाओं की जो समस्या है, यहाँ पर युवाओं से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार सर। अजय कुमार जी, रोजगार को लेकर आपका क्या मानना है सरकार के लिए? रोजगार ऐसा है सर, फिर भी रोजगार बराबर सरकार दे रही है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं दे रही है। अब एक साथ हर किसी को तो नहीं देगी। 5 साल पहले जो विकास चल रहा था, पिछली सरकारों ने कितना विकास किया, अभी जो विकास चल रहा है, रोजगार बराबर मिल रहा है, एक साथ तो सबको नहीं दे देगा कोई भी गवर्नमेंट। सही, 70 साल से कांग्रेस रही, उसके बाद प्रदेश में सपा रही, सपा ने कितना विकास किया? आपके जिले में तो लगातार समाजवादी पार्टी का ही एक दबदबा बना हुआ है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विकास किया है? विकास किया है, आप रोड खुद देख लो, करैल चौराहे वाली रोड देख लो, विकास अगर किया होता तो दिखाई नहीं देता, कितना विकास किया है। तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी में, यहाँ के लोगों का आरोप है। और भी कुछ लोगों से जाना। क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल जी, क्या लगता है सरकार के कार्यों से खुश हैं आप? हम तो खुश हैं, सरकार ने खूब गल्ला दिया है, लॉकडाउन में सबे खिलाया है, सब अच्छी बात है। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अब जा नहीं बता सकते किसकी बनने जा रही है। बिल्कुल, ये अभी वोटर नहीं बता सकता। क्या नाम है? आप युवा हैं, आप नीचे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। क्या करते हैं? हम सेलफोन सर्विस की रिपेयरिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार है, इसमें क्या क्या कार्य हुए हैं सही आपकी नज़र से, क्योंकि आप युवा हैं, आप देश का भविष्य है। देखो, सरकार ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं, और अभी भी कर रही थी, लेकिन जो सिलेंडर उन्होंने फ्री में जो ग्रामीण लोगों को बांटे थे, वो उज्ज्वला सिलेंडर उन्होंने बांट दिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो सिलेंडर की कीमत अब 1000 रुपये हो गई है,
तो गरीब किसान जो था वो अब सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहा है। बांटा तो ठीक है, वो सबको खुशी है। मुद्दा और आया है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत काफ़ी घरों में कनेक्शन दिए गए, गैस कनेक्शन दिए गए। यहाँ पर हम मैं बात करना चाहूँगा, बीजेपी के कुछ और लोग भी हमारे साथ, कि जो कनेक्शन दिए गए हैं उसको भरवाने के लिए अब क्या क्या बीजेपी की प्लानिंग होगी, क्या क्या मानते हैं आप? नाम पूछना चाहिए। मेरा नाम दीप प्रकाश कुलश्रेष्ठ है। मैं इनके कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो कार्य कर रही है वो जनता के हित में कर रही है। बीजेपी ने लोगों को जैक कनेक्शन फ्री में दिए, राशन दिया और सुरक्षा दी महिलाओं को, और आगे चल के वो जब अभी उनका कहना ये है कि जो गैस कनेक्शन ले लिए गए हैं उसके बावजूद वो अब भरवाने में, उनको रिफिल कराने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसमें सब्सिडी दोबारा पुनः उनके खातों में जाने लगी है। सब्सिडी जो जा रही है वो जाने लगी, शुरू हो गई। आप अपने मोबाइल में देखिए, बैंक अकाउंट में जाकर देखिए, सब्सिडी सरकार दोबारा देने लगी है। और क्रूड ऑयल भी सस्ता हो गया है, तो गैस सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे एक या दो रुपए आते थे, अब दोबारा से यार पूरे 267 रुपए आ रहे हैं। इस समय पूरे चालू हो गए हैं, पुनः चालू हो गए हैं, दोबारा लोगों की नॉलेज नहीं है, अभी दोबारा फिर चालू हो गए हैं। सब्सिडी चालू हो गई है, सभी लोगों को पता है इस बारे में, उनको शायद इस बारे का ज्ञात नहीं होगा, उन्हें सिलेंडर भरवाया नहीं होगा इसलिए उनको पता नहीं है। और सिलेंडर के दाम भी अभी देखा हमारी सरकार ने 12 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे कम किए थे, गैस पे भी दाम कम करने वाली सरकार हमारी है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? इसे कह रहे हैं सब्सिडी दोबारा से वापस आ गई है, नहीं आ रही सब्सिडी कुछ वापस नहीं आ रही, हम पहले ही बता चुके हैं कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। और आ भी गई है तो चुनाव के लिए आ गई है, चुनाव बाद पर चली जाएगी। चुनाव के लिए सब्सिडी दोबारा वापस दी है, बीच में बंद कर दी गई थी सब्सिडी पूरी तरीके से। आरोप यही है कि चुनाव के लिए सब्सिडी दे दी गई वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना काल की वजह से ऐसा काम हो गया था, लेकिन सब्सिडी दोबारा चालू की। हमारी सरकार कभी चुनाव में देख के काम नहीं करती है। हमारी सरकार ने देखा होगा पिछले 5 सालों में काम ही काम किया है, काम बोल रहा है, सोच ईमानदार काम दमदार, यह है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार का काम है वो चुनाव को देख के कभी काम नहीं करती है, लोगों के हित में काम करती है। हमारी सरकार ने सभी को कोरोना काल में इतना राशन दिया है, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के घर घर जाकर के आदमी को खाना खिलाया है, अपने हाथों से अपने घर से पैकेट ले जाके हमने खुद और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है। समाजवादी पार्टी वाले कोरोना काल में कहां थे, तब कोई भी सामने निकल नहीं आया। हमारी भाजपा सरकार ने जनता का हित समझा, जनता की भलाई की, जनता को भोजन दिया, और लेकिन तब कोई भी पार्टी सामने नहीं आई। जब इलेक्शन सामने आता है तो हम करेंगे, कौन करेगा? अम्मा से बात करना चाहेंगे। अम्मा, भाजपा सरकार कहती है महिला की सुरक्षा हमने बहुत अच्छे से कर दी, क्या आप सुरक्षित मानती हैं आपको, अपने आप को इस सरकार में? सरकार में मैं गैस चूल्हा चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए आपको? उज्ज्वला योजना के तहत आप लकड़ियाँ ना मिलता है, बिल्कुल। अम्मा को देखो आंखें फोड़नी पड़ती हैं, गैस चूल्हा चाहिए अम्मा को। कई लोगों तक ये देखो ऐसा है, कोई भी सरकार है कार्य करेगी तो उसको जनता चाहेगी, उसको वोट देगी। अगर इन्होंने कार्य किया है और कार्य बोल रहा है तो वोट तो मिलेगा ही, और कार्य नहीं बोल रहा है तो अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और आ चुके हैं, वो नहीं, कोई नहीं ला सकता उनको। कि हमारी जो है 300+ सीटें आएंगी और जो दुम दबा के भाग जाएंगे, सिपाही परिवार वाले हैं, दुम दबा के भाग जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल देखा, जनता की भी राय सुनी, कई लोग खुश हैं, कई लोग नाखुश हैं सरकार के कार्यों से। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन इस बार कुर्सी पर अपनी